गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो है एलिगेशन। एलिगेशन में हम लोग शुरुआत से लेके अंत तक पूरा एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, इसको देखने के बाद एलिगेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप किसी भी किताब से कोई क्वेश्चन लगा लेना, सारे आपको आते होंगे। विश्वास करना, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि एलिगेशन मुझे आ गया है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन को सारे मेथड से बताऊँगा, जितने मेथड से क्वेश्चन बन सकता है आपको फीलिंग ही आएगी। जैसे आप ऑफलाइन व्यास में पढ़ रहे हो, मैं आपको सारे मेथड से बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सुनिए, सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी 3:2 के अनुपात में है। एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी 3:2 के अनुपात में हैं। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी भर देते हैं, जिससे ए और बी का अनुपात 1:4 हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए उस बर्तन में द्रव ए की मात्रा क्या है, ज्ञात कीजिए उस बर्तन में द्रव बी की मात्रा क्या है, ज्ञात कीजिए उस बर्तन में द्रव की कुल मात्रा क्या है। ये आपके क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन को पूरा समझा रहा हूँ। पहले इसको बेसिक कैसे करेंगे, फिर आसान कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान कैसे करेंगे, सारे मेथड देखिए, समझिए। पहले रेशियो दिया है 3:2 का, बाद में दिया है 1:4 का, निकाला कितना है 20, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया था दो बर्तन ए और बी, तो दो बर्तन दिए गए थे आपको ए और बी, जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो आपको दिया गया था वो 3:2 का रेशियो दिया गया था। तो आपने क्या किया, पहले वाले को 3x मान लिया, दूसरे वाले को 2x मान लिया, तो टोटल मात्रा यहाँ पे 5x हो गई। कितनी हो गई, 5x। अच्छा, 5x से निकाला कितना है 20, तो इससे x का मान कितना आ गया 4। x का मान जब 4 आ गया, जिस अनुपात में होता है 3:2 के अनुपात में है, जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में निकलेगा। तो 3:2 के अनुपात में है, तो इससे निकलने वाला कितना होगा 12, इससे निकलने वाला कितना होगा 8, इससे निकलेगा 12, इससे निकलेगा 8। मिश्रण निकाला उतना ही b मिला दिया, b यहाँ पे ऐड कर दिया, b मतलब कुल मात्रा। देखो निकाला उसने 20, तो मिलाया भी कितना है 20 है, निकाला दोनों से मिलाया केवल क्या है b है। इससे इसका जो रेशियो हो गया, रेशियो 1:4 का हुआ, कितना हुआ 1:4 हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिला 3x-12, ये कितना मिला, ये 2x+ कितना 12 बराबर 1/2 कितना मिला 4। तो ये कितना हो गया 12x-12 = 48 हो गया, और ये कितना हो गया 2x+ कितना 12 हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इस 2 को इधर भेज दोगे क्या मिल जाएगा 10x बराबर, इसको उधर भेज दोगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 6 आ गया, तो x का मान जब 6 यहाँ पे आ गया, तो पहली मात्रा कितनी हो गई 18, दूसरी मात्रा कितनी हो गई 12, द्रव ए का हिस्सा कितना है 18, बी का हिस्सा कितना है 12, ये है ए का हिस्सा और ये है बी का हिस्सा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बोला उसने कुल मात्रा बताइए, तो 18 और 12 कुल मात्रा कितनी हुई 30, तो यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है 30, ए की मात्रा 18 और बी की मात्रा 12। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड था, आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके दूसरे मेथड की ओर, इसका सेकेंड मेथड। इसका सेकेंड मेथड जो बनेगा वो कैसे बन सकता है, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं। देखिए पहले यहाँ पे रेशियो जो दिया है ए और बी का, वो 3:2 का दिया है, ठीक है। इसमें से मिश्रण निकाला, क्या निकाला मिश्रण, मिलाया क्या है बी, तो यहाँ पे उसने क्या किया बी को मिलाया, बी को क्या किया मिलाया, जिससे इसका रेशियो कितना हो गया 1:4 का हो गया, जिससे इसका अनुपात 1:4 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो टोटल मात्रा है कुल मात्रा कितनी है 5, कुल मात्रा है 5, 5 में ए का हिस्से की बात करें तो ए का हिस्सा यहाँ 3 है। यहाँ पर जो चीज़ मिलाएगी मिलाएगा उसे 100% या 1 लेते हैं, जो चीज़ मिलाएगा उसे 100%, और कोई चीज़ मिलाई है तो अपने आप में 100% है, और 100% का मान ही क्या होता है 1, ठीक है। 100% को अगर लिखो फ्रैक्शन में तो क्या लिखोगे 1। और यहाँ पे जो टोटल मात्रा है कितनी है 5, 5 में अगर हम बात करते हैं, आपने यहाँ पे ए की मात्रा ली है लेकिन यहाँ पे बी दिया है, फिर ना अगर जो चीज़ मिलाएगा उसे 100% लेंगे, और यहाँ पे आपने ए लिया है तो यहाँ पे ए नहीं मिलाया है, इसलिए यहाँ पे ए क्या लेंगे 0, ए क्या लेंगे 0, लेकिन अगर बी लेंगे तो क्या लेंगे 1। मैं आपको ए से ही समझाऊँगा और बी से ही बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने ए की मात्रा ली है, टोटल मात्रा 5 है, ए की मात्रा 1 हो गई, इसके बीच का डिफरेंस 2/5 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस 1/5 हो गया, 5 से 5 कट गया, रेशियो आ गया 1:2, ये इसका रेशियो आ गया, ये इसका अनुपात आ गया।
टोटल मात्रा कितनी हुई? तीन। तीन में बी का हिस्सा कितना है? दो। और दो बटे तीन का मान क्वेश्चन ने बोला है 20, और दो बटे तीन का मान 20, तो एक का मान कितना आ गया? 30 आ गया। 30 यहाँ पे कुल मात्रा आ गई। कुल मात्रा को किस अनुपात में बांटना है? तीन और दो के अनुपात में। तो तीन और दो के अनुपात में बांटेंगे तो 18 और कितना आ जाएगा? 12। तीन दो कितना हुआ? पाँच। पाँच का मान 30। तीन दो पाँच, पाँच का मान 30, तो एक का मान 6, तो 36, 18 और 6 दूनी 12। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसे और देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए पहले जो ए और बी का रेशियो है, पहले जो ए और बी का रेशियो है वो 3 और 2 का है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी की, तो कोई चीज़ जब मिलाएगा तो उसे 100% लेंगे, तो हमेशा एक लेंगे, और नहीं मिलाएगा उसे क्या लेंगे? 0 लेंगे। अच्छा, बाद में इसका रेशियो जो हुआ है कितना हुआ है? 1 और 4 हुआ है। तो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है? 5। 5 में बी की मात्रा 2, यहाँ पे बी की मात्रा 1 लेंगे। कुल मात्रा कितनी है? 5 है, और बी की मात्रा कितनी है? 4। इसके बीच का डिफरेंस 2/5, इसके बीच का डिफरेंस 1/5। आपने रेशियो ले लिया, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बी की मात्रा कितनी है? पे 2 है। कुल मात्रा कितनी है? 3। 2/3 का मान 20 है, तो 1 का मान कितना हुआ? 30 आ गया। कुल मात्रा जब 30 आ गई, 30 को किस अनुपात में बांटना है? 3 और 2, जो आपने पहले बांटा था, तो आंसर क्या? 18 और 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे परसेंटेज से कर सकते हो ये भी देखो, आप कैसे परसेंटेज से कर सकते हो। तो इसका नया मेथड है, नया मेथड देखिए। पहले जो ए और बी का रेशियो है वो 3 और 2 का है, यहां पे हम ए लेते हैं, रेशियो 1 और 4 का हुआ। टोटल मात्रा 5 हुई, 5 में से ए की मात्रा 3, और 3/5 को परसेंटेज में लिखते हैं 60%। यहाँ आपने ए को लिखा 60%। जो चीज़ नहीं मिलाएगा उसे 0% लेंगे। टोटल मात्रा 5, 5 में 1, कुल मात्रा 5 और 5 में 1, 1/5 कितने परसेंट होता है? तो आप क्या कहोगे? 20%। इसका अंतर कितना है? 40। इसका अंतर कितना है? 20। इसका रेशियो कितना आ गया? 1 और 2, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक है, कुल मात्रा कितनी हो गई? 3। 3 में बी की मात्रा 2, और 2/3 का मान 20 है, तो 1 का मान कितना है? 30 है। 30 को 3 और 2 के अनुपात में बांटना है, तो आंसर है 18 और 12। की मात्रा 18 और बी की मात्रा 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसको और कैसे कर सकते हैं फिर देखें। पहले जो ए और बी का रेशियो था, जैसे आपने रेशियो अभी ए मान के किया, आप वैसे बी मान के भी कर सकते हो। इसी याद रखना, जो चीज़ मिलाएगा उसे 100% लेते हैं, जो नहीं मिलाएगा उसे 0 लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है? 5। 5 में बी की मात्रा कितनी है? 2, और 2/5 कितने परसेंट होता है? 40। यहाँ बी की मात्रा आ गई 40%। यहाँ पे जो बी की मात्रा है वो 100% होगी, लेकिन कुल मात्रा 5 है, 5 में 4 है, और 4/5 कितना होता है? 80%। इसका अंतर कितना हुआ? 20। इसका अंतर 40। रेशियो लिया 1 और 2, कितना आया? 1 और 2। मिलाई गई मात्रा ये वाली है, 2/ कितना? 3। बराबर है कितना? 20। 1 का मान 30 अनुपात में बांटा, क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन के मेथड बने। इसका जो अगला मेथड होगा, अगला मेथड देखें, अगला मेथड समझें। देखिए पहले यहाँ पे इसने ये बोला है ए और बी का अनुपात 4:1 है, बाद में बोला है ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2 है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखिए, थोड़ा सवाल समझिए। उसने क्या बोला है कि इसमें से मिश्रण निकाला, क्या निकाला? मिश्रण, उतना ही बी मिलाया। मिश्रण निकाला और बी मिलाया, तो जब मिश्रण निकाल के बी मिलाया, तो परिवर्तन बी में होगा, ए में परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, परिवर्तन बी में होगा, ए में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बताओ, यहाँ पे ए में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए में परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझें? ठीक है, तो देखो पहले का रेशियो दिया था 3:2, और बाद में दिया था 1:4। पहले दिया था कितना? 3:2। ए और बी की मात्रा जो पहले हमें दी गई थी, ए और बी की मात्रा जो हमें पहले दी गई थी, वो दी गई थी 3:2, और बाद में हुई थी 1 और 4। 1 और 4 कब हुई थी? जब बी सीटर मिश्रण निकाला था, उतना ही बी मिलाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परिवर्तन बी में होगा, ए में नहीं होगा। बी में होगा, ए में नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, तो आपको यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। 1 को 3 बनाओगे मतलब 3 से गुणा, और 4 को 3 से गुणा कराओगे तो 12। तो बी यहाँ पे बढ़ा कितना? 10। बी बढ़ा कितना? 10। और बी बढ़ा है 10, जबकि मिलाया कितना है? 20। तो 1 का मान कितना हुआ? 2 हुआ। इस समय जो टोटल मात्रा है कितनी है? 15 है, और 15 का मान कितना हुआ? 30 हुआ।
15 का मान जब 30 आ गया, 15 का मान 30, तो 30 यहाँ पे कुल मात्रा हो गई। इसका रेशियो कितना है, 3 और 2, 3 2 कितना हुआ 5, 5 का मान 30, तो 1 का मान 6, तो 36 18 और 6 दूनी 12, 1 की मात्रा 18 और 2 की मात्रा 12। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको इस टाइप के सवाल कभी भी दिक्कत ना करें, आपको हमेशा समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी सवाल होगा आपको आता होगा, ये 100% है। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर जो ए और बी का रेशियो था, पहले जो रेशियो था 3 और 2 का था, इसमें से मिश्रण निकाला उतना ही बी मिलाया, तो बाद में जो इसका रेशियो है वो 1 और 4 का है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, बाद में रेशियो 1 और 4 का है। अच्छा बताइए, मिश्रण निकाला और बी मिलाया, तो परिवर्तन बी में होगा, ए में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, तो ये 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए यहाँ 12 करना होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बी यहाँ पे कितना बढ़ा, 10, और जबकि बढ़ा कितना है क्वेश्चन में 20, 1 का मान कितना है 2, इस समय कुल मात्रा कितनी है 15, तो 15 का मान कितना हुआ 30, 30 का अनुपात में बांट लिया 18 और 12, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अगला मेथड क्या बनेगा, अगला मेथड ध्यान दें, ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे जितना निकाले उतना मिलाए, जितना निकाले उतना मिलाए, वो कैसे हो सकते हैं, आप ये ध्यान दें कैसे हो सकते हैं। सुनना, देखिए, जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, इसकी कुल मात्रा पहले कितनी है 5 और बाद में भी कितनी है 5, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो कौन सा हिस्सा कम हुआ, यहाँ ये देखो कौन सा हिस्सा कम हुआ, आपने देखा यहाँ पे ये वाला हिस्सा कम हुआ, ए कम हुआ, देखो यहाँ कौन सा हिस्सा कम हुआ ये देखना है, तो ए कम हुआ, 3 से 1 हुआ, 2 कम हुआ, किससे कम हुआ 3 से, क्योंकि निकाला कितना है 20, तो 1 का मान कितना आ गया 30, अनुपात में बांटा 18 और क्वेश्चन का आंसर। ऐसे जितने भी सवाल जो इस तरह के हैं वो सारे इसी मेथड से हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सीट में क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सीट में आपको क्या दिया गया है, समझिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए हैं, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए थे इसके। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन समझें, दूसरा क्या है देखिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का एक ही मेथड बताएंगे, बाकी आप लोग करेंगे, बाकी आप लोग समझदार हो गए। एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी, एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी 5:3 के अनुपात में हैं। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पदार्थ बी भर देते हैं, जिससे ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। ज्ञात कीजिए ए और बी की मात्रा। मैं आप क्वेश्चन को दो मेथड से बता रहा हूँ, दोनों आप समझ लीजिए। देखिए पहला मेथड क्या है, ए और बी का जो रेशियो है 5:3 का है। अब सुनना, इसमें से मिश्रण निकाला उतना ही बी मिलाया, उतना ही बी मिलाया, बाद में रेशियो कितना है 3:5। देखो जब बी मिलाया, पर मिलाया क्या है बी, परिवर्तन ए में नहीं होना चाहिए। जब मिलाया बी है तो परिवर्तन ए में नहीं होना चाहिए। देखो इसी सुनना, जैसे बोला गया ये 40 है, ये 20 है, या 20 है 40 है, रेशियो 1:2 का है। आप इससे कितना भी मिश्रण निकाल लो, मिश्रण निकालने से अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहले 5:3 का अनुपात है, आप इससे कितना भी मिश्रण निकालो, मिश्रण निकालने से अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे निकाला मिश्रण और मिलाया क्या है बी है, इसलिए परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन बी परिवर्तित होना चाहिए, ए परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ऊपर गुणा कराएंगे 3 का और नीचे गुणा कराएंगे 5 का, इससे परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कितना होगा 15, ये कितना 9, ये अभी भी कितना 15 और ये कितना 25। अब आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप ये देखो बी कितना बढ़ा, तो आपने देखा 16 बढ़ा, कितना बढ़ा 16, और 16 का मान भी कितना दिया है 16, इस समय कुल मात्रा कितनी है 40, तो 40 का मान क्या है 40, कुल मात्रा कितनी है 40। अच्छा पहले रेशियो कितना दिया था 5:3, 5:3 कितना हुआ 8, 8 का मान कितना है 40, 1 का मान 5, 1 का मान 5, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 15। ए की मात्रा 25, बी की मात्रा 15, ए की मात्रा 25, बी की मात्रा 15। उस बर्तन में ए की मात्रा कितनी है 25 और बी की मात्रा कितनी है 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला मेथड क्या बनेगा, अगले एक आसान मेथड आप ऐसा कर सकते हो एग्जाम में करने के लिए, जो समझदार बच्चे हैं वो देखें, ए और बी का जो रेशियो आपको दिया है 5:3 का दिया है, और बाद में रेशियो दिया है 3:5 का दिया है। देखो जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन
नहीं होगा, जब कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा तो पहले भी 8 है और बाद में भी 8 है, बिल्कुल सही है। कौन सा हिस्सा कम हुआ आप ये देखो, यहाँ पे 1 कम हुआ, कितना कम हुआ 2, किससे कम हुआ 5 से, क्योंकि निकाला कितना है 16, तो इससे जो 1 का मान मिला 40 मिला, 40 यहाँ पे कुल मात्रा है, कुल मात्रा को बांट लीजिए 25 और 15, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे 1 की मात्रा है 25 और 2 की मात्रा है 15। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जैसा आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 सवाल देखिएगा। एक बर्तन में 2 द्रव, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2016 में भी आया था ये, ठीक है। एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 5:7:5 के अनुपात में है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी भर देते हैं, जिससे ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस बर्तन में द्रव ए की मात्रा क्या है। ध्यान दीजिए, सवाल समझिए कैसे, बिल्कुल आसान करना है। देखिएगा, देखिए 7 और 5 का अनुपात था, मिश्रण निकाला बी मिलाया, अनुपात 7:9 का हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिश्रण निकाला बी मिलाया, परिवर्तन बी में होगा ए में नहीं होगा। तो जैसे ये ए की मात्रा है, ये यहाँ पे ए की मात्रा है, ये यहाँ पे ए की मात्रा है, ये यहाँ पे बी की मात्रा है, तो देखिए ए में परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कितना कम हुआ 4, ये कितना ज़्यादा हुआ 4, क्योंकि मिलाया कितना है 9, तो 4 का मान 9 हो गया, 4 अनुपात का मान कितना हो गया 9, इस समय जो टोटल मात्रा है, कुल मात्रा कितनी है 16, तो जो 16 का मान होगा इसका 9 का 4 गुना कितना हुआ 36, 36 को किस अनुपात में बांटना है, 36 को 7 और 5 के अनुपात में बांटना है, 7:5 मतलब 12 का मान 36, 1 का मान 3, तो पहला हिस्सा 21, दूसरा हिस्सा 15, टोटल मात्रा 36। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को इससे आसान आप नहीं कर सकते, तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ से आपका टाइप 1 समाप्त होता है, आप चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 समझें और टाइप 2 क्वेश्चन देखें, समझें। इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना, अगर एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। और कोई अगर डाउट होता है तो डाउट क्लास जो आपकी चलती है, आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन पूछा करो। ये जो डाउट क्लास है ये पेड बच्चों के लिए ही है, आप लोग क्वेश्चन भेजा करो और सारे क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। सवाल ये है, एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी, जो जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें ताकि ये अनुपात बराबर हो जाए। अच्छा ये बताओ, पहले 3 और 5 का अनुपात है, इससे मिश्रण निकाला उतना ही भी मिलाया, सबसे आसान कैसे होगा। देखो जितनी मात्रा, जो कुल मात्रा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। टोटल मात्रा पहले 8 है, बाद में 8 होनी चाहिए, 8 का मतलब कितना हुआ 4 और 4 हुआ। अब यहाँ पे देखो कौन सा हिस्सा कम हुआ, देखा दूसरा वाला कम हुआ, कितना कम हुआ 1, किससे कम हुआ 5 से, यही आंसर हो गया कि आंसर कितना हो गया 1/5। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे आपके हो जाएंगे, जैसा मैंने सिखाया वैसे करना। ये एलिगेशन से भी होगा, ये नंबर मान के भी होगा, ये परसेंटेज से भी होगा, इसके मैटर बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तभी आप इतना करना है, क्यों इतना करना है, आंसर निकालना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 3 भाग अल्कोहल और 1 भाग पानी है, जिसमें 3 भाग अल्कोहल और 1 भाग पानी है, इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें ताकि ये अनुपात 1:1 हो जाए या बराबर हो जाए। देखिए जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, पहले की मात्रा 4 है तो बाद में भी 4 करना है, 4 का मतलब 2 और 2 हुआ। अब यहाँ पे देखो कौन सा हिस्सा कम हुआ, आपने देखा पहला हिस्सा कम हुआ, पहली मात्रा 1 कम हुई, किससे कम हुई 3 से, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 1/3 भाग मिश्रण का निकाला गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला है देखिएगा समझिएगा, ये सवाल एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं सारे मेथड से समझा दूंगा, एक बार ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है। एक बर्तन में 80% अम्ल है और शेष जल है, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें ताकि ये अनुपात 4:3 हो जाए। देखिए 80% जल और शेष 80% अम्ल है, ये आपका अम्ल है और ये क्या है जल है, अम्ल और जल का अनुपात 4:1 हो गया।
ठीक है। अब उसने कितना मिश्रण निकाल के पानी भर दिया, अनुपात यही हो जाए। तो जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुल मात्रा पहले 5 है और बाद में 7 है, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। एक ऐसा नंबर माने जो 5 और 7 से कट जाए, आपने माना 35, 5 का भाग दिया 7, 7 का भाग दिया 5, पहले वाले भाग का 7 गुना तो 28, 4 का 7 गुना 28 हुआ, 1 का 7 गुना 7 हुआ, इसका 5 गुना हुआ 20 और ये कितना हुआ 15। इससे क्या हो जाएगा, दोनों की मात्राएं बराबर हो जाएंगी। देखिए पहले का योग भी 35 है और बाद का योग भी 35 है। वही स्टेप देखना है कौन सा हिस्सा कम हुआ। आपने देखा ये वाला हिस्सा कम हुआ, कितना कम हुआ 8, किससे कम हुआ 28 से, तो निकाला गया हिस्सा 2/7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन परसेंटेज से कैसे होता है ये भी सीख लीजिए, बाकी क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 80% अम्ल है, अम्ल जो क्वेश्चन ने बोला था वो 80% बोला था, 80% अम्ल है, शेष जल है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल के उतना ही जल मिला दें। देखो जब मिला रहा है जल तो यहाँ पे जो अम्ल लोगे वो तो आप 0 लोगे ना, क्योंकि मिला क्या रहा है जल है, ताकि इसका रेशियो कितना हो जाए 4:3। अच्छा देखो ये अम्ल का प्रतिशत हो गया, पानी का प्रतिशत 0 हो गया, टोटल मात्रा 7 हो गई, 7 में 4 होगा, ये प्रतिशत हो गया। 7 को आपने इस तरफ भेज दिया तो ये कितना, 7 को जैसे आपने इस तरफ भेजा तो ये हो जाएगा 560, 7 इधर जाएगा तो 0 रहेगा, ये हो गया 400, इसका अंतर हुआ 160, इसका अंतर हुआ 400, रेशियो कितना आया 5/2, मिलाई गई मात्रा ये है, कुल मात्रा 7 है, मिलाई गई मात्रा ये, कुल मात्रा 7, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ से आपका टाइप 2 समाप्त हो गया, आपको टाइप 2 समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या सवाल है ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे मेथड से बनता है, कैसे करना है देखिए। दो बर्तन ए और बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:3 और 2:3 है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी, जो कि जिसका रेशियो जो आपको दिया गया है वो 5:3 का दिया है, ए और बी का रेशियो 5:3 का दिया है, ठीक है। अच्छा बाद में जो इसका रेशियो दिया है, दो बर्तन है, एक में 5:3 है, दूसरे में 2:3 है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए, कैसे करना होगा समझिए, कैसे करना होगा। देखिए सुनिए, इसकी जो टोटल मात्रा है, कुल मात्रा कितनी है 8, 8 में से अगर हम बात करें ए की तो 5/8 हो गया। यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है 5, 5 में अगर हम ए की बात करें तो 2 हो गया। कुल मात्रा कितनी है 2, ए की बात करें 1, एलिगेशन लगा के अंतर ले लीजिए, ये इसका पहला मेथड बनेगा। सुने 5/8 और 1/2 का जब आप अंतर लेंगे, ये हो गया 5-7 1/8, इसका अंतर मिला आपको 1/8, इसका अंतर मिलेगा 1/10, आपने इसको काटा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अनुपात कितना है 4:5, ठीक है। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो, इसको परफेक्शन में चेंज कर लो, परसेंटेज में लिखो, इसको परसेंटेज में लिखो, यहां परसेंटेज में लिखो। आप जब इसको परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे सुनना समझना, 5/8 जो होता है 62% होता है, तो 5/8 जो होता है वो कितने परसेंट होता है 62%। तो सुने कैसे क्या करना है, देखें 5/8 62% हुआ, 2/5 40% हुआ, 1/2 50% हुआ, इसका अंतर 10 हुआ, इसका अंतर 12.5 हुआ, रेशियो वही आएगा 4:5। आप इसको जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। अब कैसे आसान कर सकते हो मैं आपको ये सिखा देता हूँ, आप क्वेश्चन कैसे आसान कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहला मेथड लिख के दिया, आपने यहाँ किया पहले ए मान के किया, वैसे यहाँ पे बी मान के किया, एक बार ए मान के किया, एक बार बी मान के किया, एक बार क्या किया परसेंटेज से किया, फिर यहां पे क्या किया परसेंटेज से किया, कैसे नंबर मान के करोगे मैं आपको फिर मेथड सिखा रहा हूं, आप कैसे नंबर मान के करोगे ये भी सीख लेना, थोड़ा समझना। देखिए पहले जो रेशियो दिया था 5:3 था, समझिएगा पहले रेशियो 5:3 था, बाद में रेशियो 2:3 था, बाद में रेशियो 1:1 का है, पहले कुल मात्रा 8 है, कुल मात्रा 5 है, कुल मात्रा 2 है। एक ऐसा नंबर माना जो 8, 5 और 2 से कट जाए तो 40 माना, 8 का कितने गुना है 5 गुना, 5 का 5 गुना 25 हुआ, 5 का कितने गुना है 8 गुना, तो 2 का 8 गुना 16 हुआ, इसका अगर करें तो 20 गुना, तो 1:20 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, आंसर कितना हुआ 4:5। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको समझ
समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने कहा सर इसको अगर बी मान के कर लें तो कैसे करेंगे, आठ का कितने गुना है, आठ का कितने गुना है, पांच गुना, तो तीन का पांच गुना 15 हुआ, पांच का कितने गुना है, आठ गुना, तो इसका आठ गुना कितना हुआ, 24 हुआ, यहाँ पे दो का तो 20 गुना है तो ये 20 हुआ, इसका अंतर 5। चाहे ए मान के करो चाहे बी मान के करो आंसर वही आना है, चाहे नंबर मान के करो चाहे फ्रैक्शन से करो चाहे परसेंटेज से करो, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। इसका जो आसान मेथड है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए समझिए। देखिए पहले जो रेशियो है पाँच और तीन का है, सबसे आसान समझा रहा हूँ, ठीक है, सबसे आसान समझा रहा हूँ, पहले रेशियो पाँच और तीन का है, बाद में रेशियो दो और तीन का है, बाद में अनुपात बराबर हो जाए। ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे 20 में अनुपात बराबर हो जाए कैसे करोगे, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको समझ लेना, अपनी बुक के सारे क्वेश्चन लगाना जो SSC एग्जाम में आए हुए हैं, सारे आपको आते होंगे। देखें सुने, इसकी कुल मात्रा 8, कुल मात्रा 5, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1, ऊपर लिखना योग नीचे लिखना अंतर और सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया और आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन समझें। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे खत्म हो गए, बस ध्यान से देखिए और आंसर लिखते जाइए, सारे क्वेश्चन समाप्त है। सुने क्या है, दो बर्तन ए और बी में रखे अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है, तदनुसार मिश्रण से एक बोला कि 4:3 तदनुसार मिश्रण से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा। या ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो गई, ध्यान देना थोड़ा सुनना, सवाल ये होगा ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, पहले में अनुपात ये है, दूसरे अनुपात ये है, इसको किस अनुपात में मिलाएं, अनुपात एक हो जाए, ये सवाल होगा ये। ठीक है, तो आंसर कितना है, 7:5। उम्मीद है आप लोग कर लोगे, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही पहले वाले मेथड से किया है, क्वेश्चन जिसमें जो चेंज करेगा वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगला सवाल ये भी ऐसे ही है, पहले रेशियो 3:5 का है, बाद में 6:1 का है, ताकि 1:1 हो जाए, बस 5:3:8, 6:1:7, इसका अंतर 2, इसका अंतर 5, सॉल्व किया 20:7, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आपका टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, अब चलते हैं टाइप 4 की ओर, टाइप 4 सीखिए, टाइप 4 कैसे करना होगा समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर, तो नया टाइप आपको क्या दिया है देखिएगा, नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 4, टाइप 4 में क्या है देखिए और समझिए। ठीक है, सवाल ये है, दो प्रकार के मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात 7:22, 21:37 के अनुपात में, इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 के अनुपात में हो जाए। कैसे करना होगा समझिएगा, सवाल देखिएगा कैसे करना है। देखिए पहले जो यहाँ पे जो रेशियो आपको बोला है 7:22 का बोला है, बाद में बोला है 27:37 का है, कुल अनुपात इतना हो जाए, इसमें एलिगेशन लगाना है। लेकिन अगर ऐसे एलिगेशन लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, उसके लिए कैसे आसान करोगे। आपने क्या किया, इसकी कुल मात्रा 29 है, इसकी कुल मात्रा 58 है, इसकी कुल मात्रा 87 है, आपने 29 से काटा 1, 29 से काटा 2, 29 से काटा 3, 29 से काटा 1, 29 से काटा 2, 29 से काटा 3, एक ऐसा नंबर माना जो 1, 2, 3 से कट जाए, आपने 6 मान लिया, एक ऐसा नंबर आपने क्या मान लिया, 1, 2, 3 का LCM क्या माना, 6। अब ये बताओ 1 का 6 गुना है तो 7 का 6 गुना कितना हुआ, 42 हुआ, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ ये 2 का कितने गुना है, 3 गुना है, तो 21 का 3 गुना कितना हुआ, 63 हुआ। देखो 3 का कितने गुना है, 2 गुना है, तो 25 का 2 गुना कितना हुआ, 50 हुआ, इसका अंतर 8 हुआ, इसका अंतर 13 हुआ, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 13:8। मैंने आपको मेथड भी दिया होगा, फिर एक बार समझिए, एक बार फिर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या मैंने आपको लिख के दिया है, फिर देखिए सेम वही मैंने लिख के दिया है, पहले का रेशियो का योग ये था, बाद में योग ये था, बाद में योग ये था, इसका रेशियो ले लिया, काटा हमने इसको, तो कितना मिला, 1, 2, 3 मिला। एक ऐसा नंबर जो 1, 2, 3 से कट जाए, तो 1, 2, 3 मिला, 1, 2, 3 से नंबर कट जाए तो हमने क्या माना, 6। अब देखो 1 का कितने गुना, 6 गुना, पहले वाले भाग का 6 गुना, 7:22 था तो पहले वाले भाग का 6 गुना, दूसरे वाले भाग, इसमें दूसरे वाले हिस्से में पहले वाले भाग का कितने गुना, तो यहाँ पे 2 मिला था, 2 कितने गुना, 3 गुना, तो 21 का 3 गुना 63 हुआ, ये 80 हुआ, एलिगेशन लगाया, क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है समझ में आ गया, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें,
दो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 है और 5:3 के अनुपात में है। एक घोल बनाया गया, इस घोलों में से नया मिश्रण घोल कर इन घोलों को 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए इनको किस अनुपात में मिलाना होगा। देखिए पहले यहाँ पे रेशियो ये है 3:1 का, पहले जो इसका रेशियो है 3:1 का है, बाद में जो इसका रेशियो है 5:3 का है, कुल कितना है 2:1। सुनना कैसे करना है, इसका योग 4, इसका योग 8, इसका योग 3। एक ऐसा नंबर जो 4, 8 और 3 से कट जाए तो आपने 24 माना। 4 का कितने गुना, 6 गुना, ऐसे नंबर का 6 गुना करो जो आसान हो। देख रहे हो यहाँ पे दूसरा नंबर आसान है, गुना करना थोड़ा आसान होगा। तो आपने क्या किया, ये इसका 6 गुना है, 1 का 6 गुना कितना हुआ 6। आपने देखा 8 का कितने गुना है, 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना कितना हुआ 9। 3 का सॉरी यहाँ पे कितना था, 8 का 3 गुना है, सही है 9 हो गया। फिर कितना हुआ इसके बाद, 3 का कितने गुना है तो 8 गुना, 8 एक कम कितना हुआ 8, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1। क्वेश्चन का आंसर, जबकि 90% लोग आपसे क्या कहेंगे, 90% लोग आपसे ये कहेंगे ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये आप कैसे करते होगे अब तक, क्या करते हो सुनना समझना, आप लोग क्या करते हो देखो। कुल मात्रा 4, A की मात्रा 3, कुल मात्रा 8, A की मात्रा 5, कुल मात्रा 3, A की मात्रा 2, एलिगेशन लगाते हो, आंसर निकालते हो। मैटर गलत नहीं, मैटर सही है, लेकिन आप समय बचा सकते हो तो समय बचाओ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, आगे आपका टाइप 5 में क्या सवाल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन सही से पढ़ें, सवाल क्या कहना चाह रहा है पहले ये देखें। ए और बी दो मिश्र धातुओं में जिनमें सोने और तांबे की क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में है को मिलाकर बनाया जाता है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरी धातु मिलाई जाती है, तीसरी धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले जो इसका रेशियो था थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले बात करते हैं सोने और तांबे की, गोल्ड और तांबे की कितना बोला है 5:3 है, बाद में जो बोला है वो 5:11 है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। तो इसका बेसिक मेथड क्या है पहले सुने, इसकी कुल मात्रा 8, 8 में पहला हिस्सा 5, इसकी कुल मात्रा 16, 16 में से पहला हिस्सा 5, ये हो गया गोल्ड। अगर हम बात करते हैं तांबे की, कुल मात्रा 8, 8 में दूसरा हिस्सा 3, कुल मात्रा 16 में दूसरा हिस्सा 11, बस इसका रेशियो ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चेक करिए इसका एलसीएम जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना 5, तो ये कितना हो गया 15। ये देखिए इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये हो गया 6, ये हो गया 11, तो ये कितना हो गया 17/16, तो आंसर क्या है 15:16, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और सभी लोग ऐसे करते हैं, अगर आप समझदार हैं तो कैसे कर सकते हैं ये सुने, आप कैसे और कर सकते हैं। देखिए पहले जो रेशियो था 5:3 था, बाद में रेशियो 5:11 था, इसका योग 8 हुआ, इसका योग 16 हुआ, एक ऐसा नंबर मानो जो इससे कट जाए तो 16 एक ऐसा नंबर हो गया। 8 का 2 गुना किया तो इसका 2 गुना हो गया 10, और ये हो गया 6। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों की मात्राएं बराबर हो गई हैं, 10 और 5 कितना हुआ 15, 10 11 और 6 कितना हुआ 17। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 15:17, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है दो बर्तन ए और बी, क्वेश्चन ध्यान दें थोड़ा समझें, दो बर्तन ए और बी में तांबे के दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें धातुओं में क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में है, 7:2 और 7:11 के अनुपात में है, इनको मिश्रित करके बनाया गया है, एक तीसरी धातु सी बनाई गई है, उस धातु सी की बराबर मात्रा मिलाकर सी बनाया गया, सी में सोने और तांबे का अनुपात। सवाल कहना ये चाहता है ए में कुछ मात्रा है, बी में कुछ मात्रा है, दोनों के समान मात्राओं को लेकर पिघलाया, एक नई धातु बनाई, तो तीसरे में अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ऐसी 3 वस्तुएं दी होंगी, 4 दी होंगी, ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कैसे करना है। देखें ए यहाँ पे जो पहले रेशियो दिया था 7:2 का दिया था, जो बाद में दिया है 7:11 दिया है, इसकी कुल मात्रा 9, कुल मात्रा 18, दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कराना पड़ेगा। आपने जैसे 2 का गुणा कराया तो ये हुआ 14:4, 14:7 21 हुआ, 11:4 15 हुआ, अनुपात 7:5 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 7:5, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है समान क्षमता के दो कंटेनर हैं, एक समान क्षमता के दो कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है, यदि इन्हें
उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ऐसा उसने पूछा है। देखो पहले जो रेशियो था, ध्यान दीजिएगा, पहले जो रेशियो था इसकी जो 3:1 तक था, बाद में 5:2 का है और उन्हें बोला गया इन्हें मिला दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन्हें बराबर मात्रा मिला दिया गया। सवाल ये होना चाहिए इन्हें बराबर मात्रा में मिला दिया गया। तो इसकी कुल मात्रा है 4 है, कुल मात्रा 7 है। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, इसका 7 गुना इसका 4 गुना, 7 गुना किया तो आपको 2107 मिला, 4 गुना किया तो ये मिला, दोनों को मिला दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका टाइप 5 कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या है समझें, उम्मीद है बराबर करना आप सीख गए होंगे या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए समझिएगा। सवाल ये बोला गया है 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। उसने अल्कोहल और पानी के मिश्रण भरे हैं, इनमें जो रेशियो दिया गया है 1:5 है, 3:5 है, 5:7 है। इन गिलासों के मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाए तो उस नए बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है। इन सभी को मिला के एक नए बर्तन में डाल दिया, उस नए बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात। सुने यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है, 5 में 1 का हिस्सा 1, कुल मात्रा 8 में 1 का हिस्सा 3, कुल मात्रा 12 में 1 का हिस्सा 5। अब सुनना यहाँ पे देखें, कुल मात्रा 6 है। ठीक है, तो 6 में 1 है, कुल मात्रा 6 में A की मात्रा 5, कुल मात्रा 8, 8 में B की मात्रा 5, कुल मात्रा 12, 12 में B की मात्रा 7। अब इसके बाद ये तो होगी इन मात्राओं की बात, लेकिन बर्तन में किस अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। पहले वाले में 1 का गुणा, दूसरे वाले में 2 का गुणा, दूसरे वाले में 2 का गुणा और तीसरे वाले में 3 का गुणा। बस आप इसे सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का मेथड बना। अब इसको कैसे आसान और कर सकते हैं ये देखें, ऐसे कैसे आसान और कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको शायद दोनों मेथड करके बताए होंगे, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा है सुने, पहले जो रेशियो आपको दिया है 1:5 का दिया है, पहले रेशियो 1:5 का, फिर 3:5 का, फिर 5:7 का, इसका जो योग हुआ 6 हुआ, ये 8 हुआ, ये 12 हुआ। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए तो 24 माना, 6 का भाग दिया 4, 8 का भाग दिया 3 और 12 का भाग दिया 2। लेकिन सुनना अगर यहाँ पे आप 4 का गुणा करा दें 24, 8 का गुणा करा दें 8 + 3 = 24, 12 + 2 = 24, गुणा कराने से तीनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हमें नहीं करने हैं, क्यों, उनका रेशियो क्वेश्चन ने बोला है, उन बर्तन में जो मात्राएं हैं 1:2:3 के अनुपात में है, लेकिन 4:3:2 का गुणा करने पर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करें, पहले वाले में 1 का गुणा, दूसरे वाले में 2 का गुणा, तीसरे वाले में 3 का गुणा, 2 से इसको काटा 2, पहले वाले भाग का 2 गुना, तो 2 गुना जब किया तो देखिए 2 और 10 मिला, दूसरे भाग का कितने गुना बचा, 2 कटा था 3 बचा, इसका 3 गुना किया तो ये मिला, इसका 3 गुना किया ये मिला, जोड़ लिया, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन ये कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन, देखिए क्या करना है। 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण समान मात्रा में है, यहाँ बोला समान मात्रा में, पहले क्वेश्चन में क्या था रेशियो दिया गया था, यहाँ मात्राएं समान दी हैं। पहले दिया 6:1 का रेशियो, फिर 5:2 का, फिर 3:1 का, तीनों को हमें मात्राएं समान करनी है। देखिए पहले 6:1 है, फिर 5:2 है, फिर 3:1 है, तो ये 7 + 7 = 4 हुआ, मात्रा 28। बस अनुपात लेके आपने बराबर कर लिया, पहले वाले भाग में 4 का गुना, 4 का गुना, 7 का गुना, 4 का गुना कराया तो ये आया, फिर ये, फिर ये, बस किया क्वेश्चन का आंसर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड लिख के दिए हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कभी कभी आंसर ही ऐसा दिया होता है तो आप ऐसा लिख सकते हो। कैसे, इसकी कुल मात्रा 7, पहली मात्रा 6, कुल मात्रा 5, कुल मात्रा 5, पहली मात्रा, कुल मात्रा 7, पहली मात्रा 5, कुल मात्रा 4, पहली मात्रा, ऐसी दूसरी मात्रा, आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और देखिए, एक और समझिए। 3 कंटेनरों में के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। 3 बर्तन है जिनके आयतन का अनुपात 3:4:5 है।
इनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। यह मिश्रण 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है। उस चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। देखिए पहले जो इसका रेशियो आपको बोला है 4:1 है, तो पहले इसका रेशियो 4:1 है। बेसिक मेथड क्या है समझ लें, एक बार देख लें थोड़ा सा। तो पहले रेशियो 4:1 का है, बाद में 3:1 का है, बाद में 5:2 का है। कैसे करना होगा, इसकी कुल मात्रा 5, ए की मात्रा 4, कुल मात्रा 4, ए की मात्रा 3, कुल मात्रा 7, ए की मात्रा 5। ऐसी पहला हिस्सा, ऐसी दूसरा हिस्सा लिखा। पहले वाले में 3 का गुणा, दूसरे वाले में 4 का गुणा, तीसरे वाले में 5 का, 3 का गुणा, 4 का गुणा और 5 का गुणा। आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने इसको सॉल्व कर लिया, जो भी आया वो आपका आंसर है। अब इसको हमने कैसे और लिखा, फिर ध्यान दें, पहले अनुपात ये था, फिर ये था, फिर ये था, 5, 4, 7। एक ऐसा नंबर माना कट जाए तो ऐसा नंबर मानने में दिक्कत थी, तो 5×4×7 मान लिया। 5 का भाग दिया तो 4×7 बचा। जब 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 का भाग देंगे तो 4×7 बचेगा। तो ये आपका 5 है, हाँ ठीक है, और ये कितना है, 4×7 बचा। ये 4 का भाग दिया जैसे हमने, तो 4 का भाग देंगे 5×7 में, 5×7 है। और देखो बाद में क्या किया, 3, 4, 5 का गुणा। 3, 4, 5 का गुणा क्यों कराया, क्योंकि रेशियो 3, 4, 5 के अनुपात में दिया गया था। तो पहले वाले भाग में किसका गुणा, देखिए 4, 4 ये कट गया था, 21 गुना, दूसरे वाले भाग का 35 गुना, इसका 25 गुना करके सॉल्व कर लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, सेम ऐसी सवाल है, सेम वही सवाल है, तीनों कंटेनर के आयतन का अनुपात 2, 3, 4 है, सेम वही क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन 2016 SSC मेंस में आया था। सवाल ये है, 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तनों में दूध से भरे हुए हैं, पानी और दूध से भरे हुए हैं। तीनों बर्तन में रखे मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 1/2 और तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। इस नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है, पहले का रेशियो 5:2 है, दूसरे का 4:1 है, तीसरे का 4:1 है, इसकी कुल मात्रा 7, कुल मात्रा 5, कुल मात्रा 5। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए तो वही 7×5 आपने मान लिया। देखिए पहले वाले भाग का कितने गुना, 5×7×7। अब इसकी मात्राओं का अनुपात कितना है, 3, 2, 1 दिया है, तो देखिए 5, 7, 7 लिखा, तो 3, 2, 1 का गुणा हमने करा लिया, जिससे इसका अनुपात 3, 2, 1 का हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या बोला, पहले वाले से 1/3 हिस्सा निकाला, तो इसका हमने 1/3 हिस्सा निकाला, 3 से 3 कटा, 5 बचा। दूसरे वाले का 1/2 निकाला, 2 से 2 कटा, 7 बचा। तीसरे वाले से 1/7 निकाला, 7 से 7 कटा, 1 बचा। अब इसमें 5 का गुणा कराया तो 25, फिर कितना मिला, 10 मिला। 7 का गुणा कराया तो 7×4=28 और 7 मिला। 1 का गुणा कराया तो 4×1 मिला। तो ये तो टोटल मात्रा पानी की ये 18 हो गया। अगर इसकी मात्रा हम ज्ञात करें तो 28 और 25 और 4, तो ये हो गया आपका 28 और 32 57 हो गया टोटल मात्रा 75। 75 में 18 कितने परसेंट, क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है 75 में 18 कितने परसेंट देख लीजिए, हाँ वही किया है, 75 में कितने परसेंट, आंसर क्या है, 24%। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपका टाइप 6 हो गया। आगे चलते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप 7 क्या है, टाइप 7 देखिएगा, क्वेश्चन वो आपको बोला गया है, नीले और पीले रंग के एक चित्र में, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नीले और पीले रंग के एक चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। ठीक है, और इसके ऊपरी हिस्से में यह अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो वही निचले हिस्से में अनुपात क्या है, पहले 4:3 है, बाद में 2:3 है, कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, ये सवाल कैसे होते हैं। पहले 4:3 है, बाद में 2:3 है, तो कुल रेशियो जो है वो 4:3 का है, ऊपरी हिस्से में 2:3 का है, निचले हिस्से में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान मेथड होगा, इसे कहते हैं नंबर क्रंचिंग, नंबर मानना। वो आप कैसे मानोगे ये समझाते हैं। देखिए इसका योग क्या है, 7, इसका योग क्या है, 5, कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक ऐसा नंबर जो 7, 5 और 2 से कट जाए, 7, 5 और 2 से कट जाए, इसका 7, 5 और 2 कैल्शियम आया 70,
ठीक है। 70 कैसे माना समझ में आया, 7 क्यों माना, 4 और 3 के अनुपात में 7 से कटना चाहिए, 2 और 3 के अनुपात में 5 से कटना चाहिए, और ये दो भागों में बांटा है, 7 5 और 2 से कट जाए तो नंबर आपने क्या माना, 70। 70 जो आप मानोगे, 70 जो आपने माना, ये माना पूरी आकृति का जो पूरी पिक्चर है ये उसका एरिया है 70। 70 को 4 और 3 ने बांटा तो ये हो गया नीला हिस्सा और ये हो गया पीला हिस्सा। ये बात समझ में आ गई, ये नीला हिस्सा और ये पीला हिस्सा। अभी बताओ इसको दो भागों में बांटा गया 70 को, तो ये भी भाग होगा 35 और ये भी भाग होगा 35। आधा हिस्सा 35 और अगला हिस्सा आधा कितना है 35 है। इस 35 को 2 5 3 ने बांटा तो 2 3 5, 5 का मान 35 तो 1 का मान 7, 7 2 14 और 7 3 21। अब ये सुनना, थोड़ा समझना है यहाँ पे। टोटल जो नीला वाला हिस्सा है 40 है, ऊपरी वाले भाग में 14 है, तो निचले वाले हाथ में 26 होगा। कुल 40 है, ऊपर 14 है तो नीचे 26। ये कुल 30 है, ऊपर 21 है, 30 में 21 गया तो 9। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 26:9। ऐसे जितने भी सवाल एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत आता है, एक पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात वो भी सेम ऐसे ही होता है। देखिए शायद आपको अगला क्वेश्चन दिया होगा उसको समझिएगा, अगर वो भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत कुछ नया सीख गए हो पहले से और क्वेश्चन सारे कर पाओगे। ठीक है, देखना, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा, कैसे करना है सवाल, ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। ठीक है, कैसे करना है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल कॉन्सेप्ट समझिए, इसे रटे नहीं, 1:2 के अनुपात में, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में 2:3 है, दक्षिणी में मान पूछे, जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले सिखाया वही अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, सुनो, इसका योग क्या है 3, इसका योग क्या है 5, और ये कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक ऐसा नंबर जो 3, 5 और 2 से कट जाए, 3, 5 और 2 से कट जाए, तो 3, 5 और 2 से कट जाए नंबर माना 30। 3, 5 और 2 का एलसीएम, 30 को 1 और 2 में बांटेंगे तो ये होगा 10, ये होगा 20, आधा भाग उत्तरी आधा भाग दक्षिणी तो 15 भाग उत्तरी और 15 भाग दक्षिणी। 15 को 2, 3 ने बांटा तो 2, 3, 5, 5 का मान 15, 1 का मान 3, तो 3, 2, 6 और 3, 3, 9, 6 यहाँ पे क्या हुआ, ये है थल और ये क्या है जल। पूरी पृथ्वी में थल कितना है 10, उत्तरी भाग में 6 तो दक्षिणी भाग में 4। पूरी पृथ्वी में जल कितना है 20, ऊपरी भाग में 9 तो निचले भाग में 11। क्वेश्चन का आंसर क्या है 4:11। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे अगर आप करते हो सवाल समझते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। एक द्रव पी, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक द्रव पी पानी की तुलना में 1 से ही 3/7 गुना भारी है, उसने बोला है जो पी है वो क्या है, भारी है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, पी भारी है पानी की तुलना में, ये लिखा है 7 × 7 = 10/7। क्लियर है। अब आगे इसने क्या बोला, एक अन्य द्रव क्यू में तथा पानी जो है अन्य द्रव क्यू की तुलना में 1 से ही 2/5 गुना भारी है, 5 × 5 = 2/7। यहाँ पे ये है पानी और ये है क्यू। आगे बोला है 7 लीटर क्यू द्रव में पी की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जितना समान आयतन वाले पानी का। देखिए यहाँ पे जो P का मान है 10 है, यहाँ पे जो Q का मान है 5 है, समान मात्रा वाले पानी तो पानी दोनों 7 है, इसके बीच का अंतर 3, इसका अंतर 2, 3 में 2, और उसने कितना मात्रा दी है 7 में, तो 3 में 2 तो 1 में 2/3 तो 7 में 14/3। क्वेश्चन का आंसर 4 सही 2/3 लीटर। आंसर क्या है 4 सही 2/3 लीटर। सवाल बहुत अच्छा है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है, सवाल ध्यान दीजिएगा।
एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया दो बार और की, अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या है। तो ये सवाल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप पहले से कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे आपको एक बर्तन दिया गया, इस बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर निकाला, 4 निकाला उतना ही पानी मिला दिया। तो जब 4 निकाला, अगली बार दूध कितना बचा, 36, उतना ही पानी मिला दिया। तो 36 लीटर दूध हो गया, 4 लीटर पानी हो गया, 36 लीटर दूध हो गया, 4 लीटर क्या हो गया, पानी। इसके बाद जब आप निकालोगे तो मिश्रण निकलेगा, किसमें, 36 और 4 का अनुपात, मतलब 9 और 1 के अनुपात में। उसके बाद फिर मिलाओगे, फिर अनुपात निकलेगा, ऐसा करना बहुत कठिन हो जाएगा, ऐसे कैसे लिखोगे। कुल मात्रा 40, 4 निकाला 36 बचा, उतना ही मिला दिया 40, ऐसा दो बार और किया आपने, इसको ऐसा दो बार और लिख दिया। तो ये कितना हुआ 9, ये कितना 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 0 से 0 कटा। 9 का क्यूब 729 गुणे कितना 4 बटे कितना 100, क्वेश्चन का आंसर 29.16। ये याद रखिएगा, प्रारंभ में अगर दूध है तो अंत में दूध बचेगा, प्रारंभ में जो होता है अंत में वही बचता है। यहाँ पूछा पानी की मात्रा बताइए, तो टोटल मात्रा 40, 40 में से 29.16 को घटा लिया तो क्वेश्चन का आंसर 10.84। ये यहाँ पे दूध है और ये यहाँ पे पानी है, उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगला सवाल भी अभी सेम ऐसे ही है। सवाल देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया और ये प्रक्रिया दो बार और की, अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। कुल मात्रा 50 है, कुल मात्रा कितनी है 50, 50 में से 5 निकाला तो कितना बचा 45, उतना ही मिला दिया 50, दो बार और किया, सॉल्व कर लिया, ये दूध घटा लिया तो ये पानी। उम्मीद है क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, तो एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, इसमें से 30 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, अगली बार बने मिश्रण से 40 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, ज्ञात कीजिए अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या है। टोटल मात्रा 20, 120 है, 120 में से उसने 30 निकाला तो 90 बचा, उतना ही मिला दिया, फिर 120 हो गया। अगली बार 40 निकाला तो 80 बचा, फिर उतना ही मिला दिया, 120 हो गया। आपने इसे सॉल्व किया तो कितना मिला 60। अगर 60 लीटर दूध है, टोटल मात्रा 120, तो पानी भी कितना होगा 60। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 60 लीटर दूध और 60 लीटर पानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सही पे आपका टाइप नंबर नाइन क्या है, सवाल देखिए और सवाल समझिए। बोला गया है एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, यह प्रक्रिया दो बार और करते हैं, अंत में बने मिश्रण में दूध की सांद्रता क्या है, ऐसा उसने पूछा। कैसे करना है सुनना, देखिए कोई भी चीज़ अगर शुद्ध दूध से भरा है तो इसका मतलब उसमें 100% दूध है। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा मतलब क्या, 100% दूध है, 20% निकाला तो 80 बचा, उतना ही पानी मिलाया फिर 100 हो गया, ऐसा दो बार और कर दिया, सॉल्व किया 51.2 प्रतिशत दूध आ गया। पानी की मात्रा पूछी, 100 में माइनस कर लिया, पानी कितना है 48.2, ये आपका क्या हुआ पानी। तो दूध और पानी की मात्रा आपकी आ गई है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 10% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, अगली बार बने मिश्रण से 20% मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, अगली बार बने मिश्रण से 40% मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, अंत में दूध और पानी का प्रतिशत क्या है।
कुल मात्रा हमेशा 100% ही होती है, इतना आपको क्लियर है। अगर शुद्ध है तो ठीक है 100% है। 10% निकाला 90 उतना ही मिलाया, फिर 20 निकाला उतना मिलाया, 40 निकाला उतना मिलाया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो सॉल्व करने के बाद प्रारंभ में दूध है तो अंत में दूध ही होगा, पानी की मात्रा 100 में माइनस कर लिया तो पानी। तो उम्मीद आपको टाइप क्लियर हो गया होगा, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन समझिए क्या है, देखिएगा। एक बर्तन में 54 लीटर दूध है, इसमें से एक व्यक्ति 9 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देता है। यह वह प्रक्रिया दो बार और करता है, वह प्रक्रिया ये दो बार और करता है। अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? पहले से देखो हमने क्या किया है, आपने सारे सब कुछ मैंने लिख के दिया तो आप लोग देख सकते हैं। कुल मात्रा 54 है, 54 में 9 निकाला 45 बचा, उतना ही मिला दिया, फिर 54 दो बार और है। हमने इसको जब सॉल्व किया तो 125/4 मिला, कितना मिला 125/4। कुल मात्रा 54 में से 125/4 माइनस कर लिया तो ये पानी की मात्रा आ गई। तो ये हो गई दूध की मात्रा 125/4, पानी की मात्रा 91/4। इन दोनों का रेशियो लिया तो 125:91 क्या आ गया 91। ये क्या है, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। इसका दूसरा मेथड क्या बन सकता है, जब भी दूध और पानी का रेशियो बोले किसी भी सवाल में तो आप उसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन से कैसे करना है सीखना, समझना, देखना। 54 में से 9 निकाला, अगर 54 में से 9 निकाला इसका मतलब 1/6 हिस्सा निकाला। 54 में 9 निकाला मतलब 1/6 हिस्सा निकाला तो 5/6 बचा, 5/6 तीन बार हुआ, 6 का क्यूब, टोटल मात्रा 216। कुल मात्रा 216 में पानी की मात्रा 125, तो 216 में 125 माइनस किया तो ये दूध की मात्रा 216 में 125 दूध की मात्रा माइनस किया तो पानी की मात्रा, क्वेश्चन का आंसर कितना है 125:91। तो उम्मीद है जब भी आपसे रेशियो बोला जाए तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आया था, कितना आसान है देखना और समझना। सवाल बोला गया है एक बर्तन में 10 लीटर दूध है, इसमें से 2 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। अगली बार बने मिश्रण से 2 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। ज्ञात कीजिए अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है। तो कैसे करना है, देखिए 10 में से 2 निकाला इसका मतलब 1/5 हिस्सा निकाला, जब 1/5 निकाला तो 4/5 बचा, 4/5 दो बार हुआ, टोटल मात्रा 25 में दूध की मात्रा 16 तो पानी की मात्रा 9, तो दूध और पानी का रेशियो कितना है 16:9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 33.3% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। अगली बार बने मिश्रण से 33.3% मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। इसके बाद उसने क्या बोला है, अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो। तो देखो उसने दो बार निकाला, कितना निकाला 33:1/3। 33:1/3 क्या होता है 1/3, 1/3 निकाला बचा कितना 2/3, तो 2/3 दो बार हुआ क्योंकि उसने दो बार ही किया है। तो टोटल मात्रा कितनी हुई 9, 9 में इसकी मात्रा 4 तो बाकी मात्रा 5, बोला दूध और पानी तो 4:5 के अनुपात में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे आपका है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे करना होता है सवाल समझ लीजिए, कैसे करना होगा सीखिए। सवाल आपको बोला गया है, देखिएगा क्वेश्चन बोला गया है, एक बर्तन में कुछ ml दूध है, एक बर्तन में कुछ ml दूध है, इसमें से एक लड़का मौका पाकर 160 ml दूध निकाल लेता है, 160 ml दूध निकाल लेता है, एल्कोहल निकाल लेता है, ठीक है। एक बर्तन में कुछ ml एल्कोहल है, एक लड़का मौका पाकर 160 ml एल्कोहल निकाल लेता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वह उसमें उतना ही पानी भर देता है। वह ऐसी प्रक्रिया दो बार और कर देता है, अंत में बने मिश्रण में एल्कोहल और पानी की मात्रा 27:37 हो गई। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने ml एल्कोहल थी। सवाल कहने का इशारा है एक लड़का है, एक एल्कोहल की बोतल है, ठीक है, एक बोतल है इसमें एल्कोहल है, एक लड़का उसमें से 160 ml एल्कोहल निकालता है और उसमें पानी मिला देता है, ठीक है। अगली बार क्या करता है, अगले दिन भी वो करता है, इसके बाद भी वो करता है, वो लगातार 3 दिन ऐसा कर देता है। बोतल की जांच होने पर पता चला कि इसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो 27:37 है। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में अल्कोहल की कुल मात्रा क्या है। तो सुने समझें,
ये अल्कोहल में दूध और पानी का रेशियो, अल्कोहल में अल्कोहल और पानी का रेशियो है। टोटल मात्रा हमेशा प्रारंभ में होती है, कुल मात्रा हमेशा प्रारंभ में होती है, टोटल मात्रा 64 हुई। प्रक्रिया कितने बार हुई? 3 बार। अंत में कितना है अल्कोहल? अल्कोहल कितना बचा है? 27। सुने तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे पावर 3 होगी तो जो नंबर होंगे 64 से भेजा नंबर होंगे किसी की पावर 3 ही होंगे, तो 27 किसकी पावर 3 है, 64 किसकी पावर 3 है। अगर 3/4 बचा है तो निकाला कितना है? 1/4। 3/4 बचा तो निकाला कितना? 1/4। 1/4 का मान 160 ml, तो 1 का मान 640 ml। प्रारंभ में मात्रा कितनी थी? तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 640 ml। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक और समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रम में कुछ लीटर दूध है, एक व्यक्ति इसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देता है, वह यह प्रक्रिया 3 बार और करता है, अंत में उस ड्रम में दूध और पानी का अनुपात 16:65 है, तो कुल प्रक्रिया यहाँ 4 बार हुई, 1 बार किया, 3 बार और किया, कुल कितनी बार? 4 बार। प्रारंभ में हमेशा कुल मात्रा होती है, टोटल मात्रा, इन दोनों को जोड़ा, टोटल मात्रा 81, कुल प्रक्रिया 4 बार हुई, अल्कोहल जो बचा है कितना है? 16, 81 को आपने इस तरफ भेज दिया। पावर कितनी है? 4, तो 16 किसकी पावर 4 है? 2 की। 81 किसकी पावर 4 है? 3 की। अगर 2/3 भाग बचा, 2/3 भाग बचा तो निकाला कितना? 1/3, और 1/3 का जो मान है 20 लीटर है, तो 1 का मान 60। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 60। तो प्रारंभ में कुल मात्रा कितनी थी? तो आंसर कितना है? 60। ठीक है, तो मैंने इसका मेथड भी आपको लिख के दिया है, देख लीजिए, आपको क्वेश्चन लिख के दिया है। आगे है टाइप नंबर 12 जो है कैसे करना है समझिए, सवाल क्या है देखिएगा। एक बर्तन में 54 लीटर दूध है, इसमें से कुछ लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, अगली बार प्राप्त मिश्रण से उतना ही मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, अंत में प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 24 ml है, तो कुछ ml 24 ml है, तो पहली बार में कितना दूध निकाला गया, ये उसने पूछा है। तो यहाँ पे जैसे बोला जाए 54 लीटर है, तो यहाँ पे 54 लीटर होगा, 24 लीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले 54 लीटर था तो बाद में कितना होगा? 24 लीटर होगा। ठीक, कैसे करना है सुनना, तो प्रारंभ में 54 है, अब देखो कुछ मात्रा थी, कुछ निकाला, माना एक्स वाई बचा, ऐसा उसने 2 बार किया, तो इधर कितना बचा है? 54 को आपने भेज दिया इधर, तो यहाँ क्या मिला? वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला? 24/54 मतलब 4/9। अच्छा, 4/9 का मतलब 2/3 हो गया, अगर 2/3 बचा है तो निकाला कितना? 1/3, तो यह 2/3 का मतलब समझते हो क्या है, तो 2/3 अगर था तो निकाला कितना? 1/3, और कुल मात्रा है कितनी? 54 का निकाला कितना है? 18 लीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, कितना निकाला गया ये पूछा है, तो आंसर क्या है? 18 लीटर निकाला गया। ठीक है, तो उम्मीद है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। आगे है टाइप नंबर 13 क्या है, टाइप सुनना, जब भी किसी मिश्रण में, पॉइंट समझना, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचें, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचें तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी मात्रा मिलाई जाए, या जितना लाभ कमाना होता है उतना ही मिलाना होता है। तो क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक बताऊंगा, बाद में बिल्कुल आसान कर दूंगा, सवाल समझिए कैसे करना है। देखिए एलिगेशन का नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 13, सवाल क्या है, सवाल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आपको ये लिख दिया है, पॉइंट समझिएगा, पॉइंट क्या है, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर उसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो जितने प्रतिशत का लाभ कमाना होता है उतना ही मिलाना होता है, या जितना मिलाएगा उतना ही लाभ होता है। इसका सेंस, इस कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन बताता हूँ फिर बाद दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, दूध और पानी के साथ, या दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो, एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन एक और ध्यान दीजिए, एक और समझिए, ये तो पहले बेसिक सवाल हुआ, अगला क्वेश्चन पहले अब ये समझो, यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू दी गई, पहले आपको ये समझ में आ जाएगा, इसका जितने भी सवाल हैं आप कर पाओगे, क्वेश्चन ध्यान देना, पहले सुनना, सारे क्वेश्चन बिना पे चलाए होंगे पहले, लेकिन ध्यान दो, समझो बेसिक। एक ग्वाला 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से शुद्ध दूध खरीदता है, वह उस पर पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, पहला क्वेश्चन क्या है बताइए, 1 लीटर दूध में उसने कितना पानी मिलाया,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। कैसे करना होगा ध्यान देना, सवाल थोड़ा समझना, ठीक है, समझा रहा हूँ। देखिए कहना क्या चाहता है, सवाल कहना ये चाहता है कि जो एक ग्वाला है वो 13.50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, ठीक है, मतलब उसने इतने रुपए में 1000 ml दूध खरीदा, 1 लीटर दूध खरीदा, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो देखो 20% लाभ चाहता है, लाभ चाहता है, इसका 10% 1.35 हुआ, इसका 10% कितना हुआ 1.35, तो 13.50 रुपये लिखा है, 10% हुआ 1.35, तो 20% हुआ 2.70। आपने इसमें जोड़ा तो 7, 5, 12, 3, 2, 5, 1, 6, ये मिला 16.20, कितना मिला 16.20। अगर 20% के लाभ पर वो बेचता तो 16.20 में वो बेचता, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि वह 20% का लाभ चाहता है, लेकिन वह उसे क्रय मूल्य पर ही बेचता है, बल्कि उसने पानी मिला के बेचता है, वह दाम को ना बढ़ा के दूध में पानी मिला देता है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो इतने रुपए में इतने ml दूध मिलता था, उसके हिसाब से 1 रुपए में कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1000/13.50। इसने में कितना मिलेगा, तो यह आ जाएगा 1000/13.50 × 16.20। अब इतने पैसे में जो मिला वो पहले वो निकाल लीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट आया, 0 से 0 काटा, 27 से काटा 5, 27 से काटा 6, 5 से काटा 200, और 200 × 6 कितना मिला 1200, कितना मिला 1200। अच्छा देखो पहले कितने ml था, 1000 ml था, अब कितना है 1200 ml है, तो यहाँ पे पानी उसने कितना मिलाया, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, उसने 200 ml पानी मिलाया। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आंसर क्या 200 ml पानी मिलाया। सीधी और आसान भाषा में समझो, सुनना, देखिए जैसे उसने बोला कि 1 लीटर दूध लिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें पानी मिला के इसको क्रय मूल्य पर बेचा, जितने प्रतिशत का लाभ कमाना हो उतना ही मिलाना है, बाकी क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं, खत्म। जैसे 1000 ml दूध है, लाभ 20% कमाना है, तो 1000 का 20% हुआ 200 ml, यही क्वेश्चन का आंसर है, आपका क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। जैसे यहाँ बोला जाए कि 10% का लाभ हुआ, तो 10% क्या होगा, 1000 का 100 ml होगा, तो आंसर हो गया 100 ml पानी मिलाया। बोला लाभ 25% कमाया, तो इसका 25% कितना हो 250 ml पानी मिलाया। लाभ 15% कमाया, कितना हो 150 ml पानी मिलाया, तो बस खत्म हो गया सब। अब यहाँ पे सुनना, दूध और पानी का रेशियो, 1000 ml दूध था, 200 ml पानी है, रेशियो की बात करें तो 5:1। यहाँ बोले कुल मिश्रण में पानी का प्रतिशत, कुल मिश्रण, तो कुल मिश्रण कितना हुआ 6, 6 में पानी का प्रतिशत 1, तो आंसर कितना हुआ 16 से 2/3। बोला जाए कुल मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, तो आंसर क्या है 16 से 2/3। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपका हो गया, पॉइंट समझ में आया, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर यदि उसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो जितने प्रतिशत का लाभ कमाना होगा उतनी ही वस्तु मिलानी होती है, यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जितने भी सवाल हैं सारे आप कर पाओगे, कितना आसान है देखना, समझना सवाल क्या है, देखिएगा, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। हमने माना 100% दूध है, पहले समझना, हमने माना 100% दूध है और लाभ 20% कमाना है, तो 20% ही मिलाना है, दूध और पानी का रेशियो 5:1। सीधी और आसान भाषा में 20% का लाभ, 20% 1/5, 5 भाग दूध 1 भाग पानी, खत्म क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से 2/3% का लाभ हो। तो 16 से 2/3 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/6। अब ये बताओ 1/6 में 6 भाग दूध 1 भाग पानी, क्वेश्चन का आंसर, खत्म। ये आपका उम्मीद है समझ में आ गया, उसने बोला क्या पानी के साथ स्पिरिट, तो पहले पानी बाद में स्पिरिट, खत्म। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला सवाल क्या है, स्पिरिट के साथ पानी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ पढ़िएगा, कभी बोलेगा स्पिरिट के साथ पानी, कभी बोलेगा पानी के साथ स्पिरिट, बस रेशियो चेंज करना होता है, बाकी वही है। असल लाभ कितना कमाना है 20% 1/5, 5 भाग स्पिरिट 1 भाग पानी, बोला होता पानी के साथ स्पिरिट, तो आंसर क्या होता है 1/5। जैसे यहाँ पे आंसर 6:1 नहीं, क्या होगा 1:6, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला है पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें, सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपने समझाया इसे, तो देखो एक ग्वाला 13.5 रुपये दूध खरीदता है, कितना दूध खरीदा 1 लीटर दूध खरीदा, लाभ कितना कमाना है 20%,
तो 20% जितना लाभ कमाना है उतना ही पानी मिलाना है, तो आंसर क्या है 200 ml पानी मिलाना है। ठीक, दूध और पानी का अनुपात कुछ भी बोला जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो 20% 1/5, 5 अनुपात दूध, 5 भाग दूध 1 भाग पानी, मिश्रण में पानी का प्रतिशत 16 से 2/3, ये आप सीख चुके हैं, अभी आपने सीखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन ये अनुपात समानुपात का है, ध्यान दीजिए, समझिए सवाल क्या है। देखिए, एक मिश्रण में, एक मिस धातु में लोहा, चांदी और पीतल 7:2:3 के अनुपात में, एक अन्य मिस धातु में चांदी और पीतल का अनुपात 1:2 है, दोनों मिस धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में लोही और पीतल का अनुपात ये हो जाए। कुछ नहीं करना है, सवाल ध्यान दीजिए, जैसा मैंने किया है वैसा भी कर लीजिए। ये था लोहे, चांदी और पीतल का अनुपात, ये था इसका इसका अनुपात, ठीक है, किस अनुपात में मिलाए कि ऐसा बन जाए, ऐसा उसने बोला है। तो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी हुई, 12। अगर 12 में हम बात करें लोहे की तो कितना है, 5 है, ये आपका लोहा हो गया। अगर हम बात करते हैं, अगर इसके बात करते हैं आपका टोटल लोहा, क्योंकि लोहा केवल इसी में है, लोहा केवल पहले में है, उसने बोला क्या है कि परिणामी लोहे और चांदी, अब हमें चांदी निकालना है, तो चांदी कैसे निकालेंगे, टोल मात्रा 12, 12 में 2, तो 1/2 हो गया, और यहाँ कुल मात्रा 3, 3 में 1, तो 2/3 हो गया, तो ये हो गया लोहा और ये हो गई चांदी का रेशियो कितना है, 5:3, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो करना क्या था, केवल लोहा निकालना है, लोहा केवल पहले में है, चांदी पहले और दूसरे दोनों में है, दोनों को जोड़ लिया, तो लोही और चांदी का अनुपात 5:3, बस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सवाल अच्छा है, ध्यान दीजिए, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में पानी, स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात 5:5:4:3 है, पानी, स्पिरिट, अल्कोहल की मात्रा का अनुपात 5:5:4:3 है, आगे क्या बोला है, तथा एक अन्य बर्तन में पानी और अल्कोहल, तो यहाँ स्पिरिट नहीं है, पानी और अल्कोहल का अनुपात कितना है, 7:3 है, पहले बर्तन के 6 लीटर और दूसरे के 4 लीटर, यहाँ पर थोड़ा समझना, पहले के 6 और दूसरे के 4, सबसे पहले आपने क्या किया कि इसमें जो इसका योग है, थोड़ा ध्यान दीजिए समझिए, पहले का जो योग है वो कितना है, 5, 4, 9, 3, 12 और 7, 3 कितना है, 10, एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, इससे 60 और 40 क्यों माना है, क्यों, क्योंकि बोला इसका 6 लीटर तो इसका 4 लीटर, रेशियो हमें 6:4 चाहिए या रेशियो 3:2 का चाहिए, तो आपने देखो ऐसा नंबर क्यों माना, क्योंकि रेशियो लेने में दिक्कत ना हो, और 60 40 क्यों माना, क्योंकि रेशियो हमें बोला है 6 और 4, पहले में 6 लीटर दूसरे में 4 लीटर। ठीक है, अब देखिए 12 कितने गुना है, 5 गुना, तो इसका 5 गुना आपने जैसे ही किया, इसका 5 गुना कितना मिला, 15। अब देखिए यहाँ पे स्पीड निकाला तो कितना हुआ, 12, तो ये हो गया टोटल आप का अल्कोहल की, अगर हम बात करें, सॉरी ये सर कितने गुना है, 4 गुना, तो देखिए यहाँ पे उसने बोला क्या है, कुल मात्रा में किसका प्रतिशत बोला है, तीसरे बर्तन में कौन सा भाग अल्कोहल है, तो अल्कोहल केवल पूछा है, क्या पूछा है, अल्कोहल, कैसे करना होगा सुनने, अल्कोहल की मात्रा निकालनी है, 12 का मान 60 तो 1 का मान 5 अल्कोहल, यहाँ पे कितना हुआ 15, और 10 का मान 60, 10 का मान 40, यहाँ 40 है, 10 का मान 40 तो 1 का मान 4, तो 4 तय कितना हुआ 12, तो ये 15 और ये कितना हुआ 12, 12 15 कितना हुआ 27, टोटल मात्रा 60 40 100, टोटल मात्रा कितनी 60 40 100, एक बार फिर समझें, सवाल फिर देखें एक बार, उनको भी ना आया हूँ। देखिए पहले हमने क्या, ये 12 क्यों माना कि इसका योग जो है कितना है 12 है, इसका योग कितना है 10 है, एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए, तो ऐसा कट नंबर कट जाए तो बहुत सारे नंबर हैं कि जो आपके 12 और 60 से कट जाए, ये 60 हमने मान लिया, 12 और 10 से कट जाए तो 12 10 का एलसीएम कितना हो गया 60। ठीक, अब उसने बोला क्या था, पहले से 6 लीटर दूसरे से 4 लीटर, अब देखो रेशियो हमें 6 और 4 का लेना है, तो आपने इसको 60 माना, इसको 40 माना, तो ये कितना हो 5, 4, 9, 3, 12 का मान 60, 1 का मान 5, तो अल्कोहल का मान जो मिला कितना मिला 15, यहाँ 10 का मान 40, 1 का मान 4, 4 तय कितना मिला 12, टोटल अल्कोहल कितना मिला 27, टोटल मात्रा कितनी है 100, तो आंसर हो गया कुल अल्कोहल की मात्रा, कुल मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 27/100। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें, समझिए एक मिनट, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं 3 बर्तनों में सिरप और पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में है, पहले बर्तन से 10 लीटर दूसरे से 21 लीटर तीसरे बर्तन से कुछ मात्रा लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, इस नए मिश्रण में एल्को सिरप में की पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 हो जाता है, तीसरे बर्तन से कितना लीटर मिलाया गया, बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए पहले यहाँ पे अल्कोहल और सिरप या सिरप और अल्कोहल जो भी है आपका, सिरप और पानी जो भी है, पहले रेशियो 2:3 का है, बाद में 3:4 का है, बाद में 7:5
का है। देखिए दो तीन कितना हुआ, पाँच, पाँच का मान दस, तो एक का मान दो, ये हो गया चार, ये हो गया छः, चार तीन सात का मान इक्कीस, एक का मान तीन, ये हो गया नौ, ये हो गया बारह। तो देखिए यहाँ पे ये सिरप कितना हुआ, तेरह हुआ, एल्कोहल पानी कितना हुआ, अठारह हुआ, ये हुआ तेरह, ये कितना हुआ अठारह, बाकी को मिलाया गया सात अनुपात पाँच के अनुपात में, सात और पाँच में मिला दिया, रेशियो एक और एक हो गया, आपने एक्स का मान निकाला तो एक्स का मान कितना हो गया 2.5 आ गया। अब देखिए उसने बोला कुल कितना मिलाया गया, कुल कितना मिलाया गया, तो यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है, सात पाँच बारह, तो एक का मान 2.5, तो बारह का मान 30। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मिश्रण सी का कौन सा भाग मिलाया गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 30 लीटर। ठीक, तो यहाँ से आपकी सीट खत्म हो चुकी है, आपकी सीट खत्म हो चुकी है, एलिगेशन सीट समाप्त हो गई है। तो एलिगेशन में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो हमसे आप डाउट बेस्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।